हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं वोल्टास लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, स्टॉक ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और उसी के चलते स्टॉक की डिलीवरी रेट 50% से भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट क्या यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिलीवरी दिखाई देना या फिर खरीदारी करना सही है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और उसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं मानता हूँ वोल्टास कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, काफ़ी ट्रस्ट वर्दी ग्रुप है और कंपनी में पोटेंशियल भी डेफिनेटली है। बट कहीं ना कहीं एक अच्छा इन्वेस्टर जो होता है वो एक चीज़ के बारे में सोचता है, और एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स ने कहा भी है, एक बेहतरीन कंपनी ज़रूर खरीदनी चाहिए, लेकिन एक सही समय पे उसे खरीदना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या वोल्टास को खरीदने का यह सही समय था जो इतनी ज्यादा डिलीवरी दिखाई दे रही है? क्या जो 5 रुपए का डिविडेंड वोल्टास दे रहा है, क्या वो 1,000 रुपए से इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 1,000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो 5 रुपए रिटर्न के लिए, 5 रुपए डिविडेंड के लिए? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं वोल्टास के बारे में कि वोल्टास की एज ऑफ नाउ यानी आज की जो सिचुएशन है वो किस तरह से है, और उसके लिए मैं लेकर के चलता हूँ आर्टिकल पे। और जब बात आती है आर्टिकल की दोस्तों, तो आपको पता है हमारी वेबसाइट है bearnews.in, यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स छपते हैं और आप लोगों से बहुत 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 अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे टेलीग्राम वाले मेंबर्स भी बेयर न्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें यहाँ पर बेयर न्यूज़ पे मिल रहा है। होपफुली आप सबको ये हेल्प हो रही है यहाँ से। और आज हमने एक पोल भी डाला हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के और कम्युनिटी टैब में यूट्यूब के भी, यहाँ पर पूछा गया आपको ये हेल्पफुल लगता है या नहीं। तो डेफिनेटली आप जाके वहाँ पर अपना वोट जो है वो ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले इस वेबसाइट को कंटिन्यू करना है या नहीं, या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। काफ़ी सारी बातें हैं, तो अभी फिलहाल मैं लेकर के चलता हूँ आर्टिकल पे। बात कर रहे हैं वोल्टास के बारे में। देखिए दोस्तों, वोल्टास का टाइटल भी आप देख सकते हो, 11 अगस्त आज का आर्टिकल है कि इनका जो समर सेल होता है, डेफिनेटली जब प्रोडक्ट इनका एसी जो मेन प्रोडक्ट है वोल्टास का, यहाँ पर जब बात आती है तो डेफिनेटली समर सीजन इनके लिए दिवाली जैसे होता है। काफ़ी अच्छा सेल्स होता है समर सीजन में एसी प्रोडक्ट का। ऑफर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे इस टाइम पे, प्राइजेस भी थोड़े कम रखने की कोशिश की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग हो। लेकिन आप जानते हो पिछले 2 साल से यानी 2 समर सीजन जो है वो पूरी तरह से यहाँ से इम्पैक्ट हो चुके हैं इनके, क्योंकि लॉकडाउन एक सबसे बड़ा रीज़न है। और अगर बात करें तो पहले सीजन का वो तो पूरे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में चला गया था, और इस समर क्वार्टर जो था यहाँ पर इनको थोड़ा सेल्स मिला, बट काफ़ी कम सेल्स हुआ वो भी। बट पिछले सीजन के मुकाबले ये सीजन उनके लिए थोड़ा बेटर था, ये मैं डेफिनेटली कहूँगा। इसके चलते इनका स्टॉक डेफिनेट लगभग 10% तक की इसमें गिरावट हमें देखने को मिली, हालांकि अब थोड़ी सी अपसाइड जो है वो देखने को मिल रही है। इस सीजन में इनका नेट रेवेन्यू और ईबीटा जो है वो था, नेट रेवेन्यू 38% से और ईबीटा 103% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। जबकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना था कि भाई ये लगभग नेट रेवेन्यू 70% से और ईबीटा जो है वो 250% से इनका बढ़ना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए उनकी यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट यानी यूसीपी प्रोडक्ट जो है उसके सेगमेंट पे 19% का ग्रोथ मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जब तक पिछले साल में जब सेल्स इनका 60% डाउन था, तभी भी यूपीसी में थोड़ा सा इनको बेटर सपोर्ट चल रहा था, और इनका सेल्स भी यूपीसी में 10% बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि इंडस्ट्री का जो लो रेट है वो सिंगल डिजिट पे चल रहा है। यानी वोल्टास यूसीपी को लेकर के काफी बढ़िया परफॉर्म यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में इनका मार्केट शेयर भी लगभग 26.70% हो चुका है 25.60% से, जो भी एक अच्छी बात है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सेगमेंट जो है ये भी थोड़ा यहाँ से पेंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो पिछले साल 1100 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हुआ था, जो इस क्वार्टर में आप देख रहे हो लगभग 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी उसके चलते अगर हम लोग मार्केट की तरफ एक नज़र कर भी लेते हैं दोस्तों, तो हमें कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको मार्केट की तरफ ले चलता हूँ,
तो देखिएगा 30.5 लाख स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 15 लाख से ज्यादा की डिलीवरी यानी लगभग 55% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा चुकी है। इसके रीजंस भी है डेफिनेटली, आगे हम लोग बात करेंगे क्यों इतनी बड़ी डिलीवरी उठाई गई। जैसे मैंने एक रीजन आपको बोला था कि भाई इनका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और डिविडेंड के लिए लोगों ने काफी पैसा यहाँ पे डाला है। स्टॉक काफी महंगा दिखाई देता है, इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर है, रिटर्न एफडी से अच्छा है, डिविडेंड अच्छा नहीं देता। प्राइस कंपैरिजन में अगर डिविडेंड का जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो प्राइस स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में कीजिएगा। एंट्री पॉइंट काफी अच्छा है, कोई फ्लैग दिखाई नहीं देता। होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस की कैटेगरी में आता है, 33,000 मिड कैप की कंपनी है और लो रिस्क पे चल रहा है। आप देखोगे तो सेक्टर पी जो है वो -350 है, स्टॉक P63 के आसपास दिखाई देता है। फोरकास्ट में काफी है, यहाँ पर 35 में से 63% लोगों ने बाय बोला है। फाइनेंशियल की बात करें तो 6% से ग्रो कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री 10% से ग्रो कर रही है। नेट इनकम 6% रहा, इंडस्ट्री का 15% है। मार्केट शेयर इनका 13% से बढ़कर अभी 16% होने को है। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिएगा लगभग 5.32% का डेट दिखाई देता है, जबकि इंडस्ट्री ग्रेड डेट जो है वो 70% का दिखाई देता है। आप अगर यहाँ पे कैश फ्लो के बारे में अगर बात करें तो इनके पास देखिएगा लगभग 535 करोड़ का कैश दिखाई देता है। होल्डिंग इनकी काफी अच्छी है, इंप्रेसिव होल्डिंग है। 30% जो है वो प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 23% है, DIIs 11%, FIIs 17% और रिटेल इन्वेस्टर्स 20%। यानी काफी डाइवर्सिफाइड मैं कहूंगा इसकी इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक अच्छी बात है। सारे के सारे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। और सबसे बड़ी बात अगर वोल्टास की करेंगे ना दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली एसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो स्टॉक को अगर आप लंबे टाइम के लिए खरीदना चाहो ना तो बिल्कुल खरीद के रख सकते हो। यहाँ पर आप देखिएगा चार्ट पर हूँ, प्राइस अभी काफी नीचे चली गई है, 39 यानी RSI इंडिकेटर पे ये डेफिनेटली एक बाय सिग्नल है। यहाँ पर अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी भी जो बायर है वो डेफिनेटली कम है, इसमें बायर्स और भी बढ़ने चाहिए। आप देखोगे प्राइस का बॉटम लगभग इनका 200 दिन के ईएमए के पास पहुंच चुका था, अभी भी प्राइस 50 दिन के डीएमए के नीचे है। तो मैं कहूंगा अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या मिड टर्म के लिए होल्ड करना है तो स्टॉक का बाइंग प्राइस 1000 के नीचे कोई भी प्राइस आपके लिए बिल्कुल सही है। और इमीडिएट स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, लगभग 930 के आसपास का स्टॉप लॉस आप इस पे लगा देंगे तो 1120 या फिर आने वाले समय में 1500 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए डेफिनेटली खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट डाइसी है तो थोड़ा सा इंतजार मैं तो डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि जितना सस्ते में मिले उतना बेटर है और डेफिनेटली उतना ज़्यादा स्टॉक्स भी हम खरीद सकते हैं। ये था वोल्टास के बारे में ऑल द डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फो बेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।